दोस्तों, हम अभी फुकेत में पहुंच गए हैं और हम अभी हैं पैटोंग बीच पे। नमस्ते दोस्तों, इस बार हमने डिसाइड किया है हम रहेंगे थाईलैंड। तो हम हैं बैठे हुए थाईलैंड में, और थाईलैंड में हम कहाँ बैठे हैं? डॉन मॉन्ग, सॉरी, हम बैठे हैं डॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हमारे इस सफ़र की शुरुआत हुई मुंबई से। हम ऑन टाइम एयरपोर्ट पे पहुँचे थे करीबन 3 घंटे पहले, और इतनी बड़ी लंबी लाइन थी मुंबई एयरपोर्ट पे कि हमारे होश उड़ गए। 3 घंटे लगे हमें बोर्डिंग तक पहुँचने में और फ्लाइट को पकड़ने में। फ्लाइट ऑन टाइम था, हम बैंकॉक पहुँचे करीबन 7:30 बजे सुबह, विच वॉज़ ऑन टाइम। 1 मिनट की भी देरी नहीं की हमारे प्लेन ने। हमने लिया था एयर इंडिया का प्लेन। प्लेन से उतरते ही हमने डिसाइड किया था कि हम वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे, इसलिए हम गए ऑन अराइवल के सेक्शन में, जहाँ पे हमने फॉर्म भरे, कुछ फ़ोटोज़ अटैच किए और लग गए लाइन में। जब हम सच में अंदर पहुँचे तो हम देख रहे हैं क्या हमारे सामने है, 500 लोगों की बड़ी लंबी कतार जो खड़े हैं वीज़ा लेने के लिए। क्यों है इतनी बड़ी लंबी कतार? क्योंकि हम भूल गए थे कि नवंबर और दिसंबर के महीने में थाईलैंड में ऑन अराइवल फ्री वीज़ा मिलता है, और यही कारण था लोगों का अपने खुद के कंट्री से वीज़ा ना लेते हुए बैंकॉक में आके वीज़ा ऑन अराइवल लेने में। हम लग गए उस क्यू में। अब हमारी जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो थी डॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जो है करीबन 1 घंटे की दूरी पर हमारे सुवर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अब 4 घंटे काफ़ी होते हैं किसी को बैग कलेक्ट करते हुए, इमिग्रेशन करते हुए और उस एयरपोर्ट पर पहुँचते हुए, बट अगर आपके सामने हो 500 लोगों की लंबी कतार और उनको सर्व करने वाले हो सिर्फ 2 काउंटर्स, तो ये बड़ी अजीब बात थी उस समय उस एयरपोर्ट पे। हमें करीबन लग गए 2 घंटे हमारा वीज़ा मिलने में, इमिग्रेशन होने में, और तब तक हमारी फ़्लाइट छूट चुकी थी। और तब हमने सोचा कि अब हमारी फ़्लाइट तो ऑलरेडी छूट चुकी है, तो अब क्या? तो हमने वहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डॉन म्योंग के लिए। एयरपोर्ट ने एक फ्री शटल रखी हुई है जो लेती है करीबन 45 मिनट्स, 1.5 मिनट्स है 2 घंटे के बीच में, ट्रैफिक के हिसाब से वो कितना भी टाइम ले सकती है। पर हमारे पास टिकट ऑलरेडी नहीं थी, और आपको अगर वो शटल लेनी है तो उनका एक ही रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक वैलिड टिकट होनी चाहिए। तो अब हमने वहाँ पे और एक टिकट बुक की जो कि हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी। हम हैं बजट ट्रैवलर्स, और जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ऐसे काम कभी नहीं करते हैं। हम एक प्लान्ड टूर पे निकलते हैं, बट इस बार हम अनप्लान्ड टूर पे निकले अपने देश के बाहर, और हम एक्सप्लोर करना चाहते थे कि हम इसमें कितनी सफलतापूर्वक स्थिति में पहुंच पाते हैं। बट हमें पहले ही दिन ऐसी स्थिति ने रोक दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। कोई बात नहीं दोस्तों, ये एक सीख है हमारे लिए, और हम इससे कुछ सीखेंगे और अगले ट्रिप्स में ये ख्याल रखेंगे कि हम प्री प्लान ट्रिप्स करें ताकि हमारी कोई फ्लाइट मिस ना हो। अब हम बैठे हैं डॉन म्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, खा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकवान और कुछ ड्रिंक्स। बट ये थी हमारी जर्नी यहाँ तक पहुँचने की, जो कि काफ़ी दिलचस्प थी और हमको बहुत कुछ सीखने में मिला इस जर्नी में। अब हम मिलेंगे जब हम फुकेत पहुँचेंगे, और एक फ़्लाइट और 1.5 आवर की जर्नी पार करेंगे, और फुकेत पहुँचते ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए फाइनली वी रीच्ड फुकेत, और हमने मिनी बस बुक किया है जो 180 बाट पर पर्सन, मतलब 360 रुपये है। आई एम डेड टायर्ड। गुड
मॉर्निंग दोस्तों, हम अभी फुकेत में पहुंच गए हैं और हम अभी हैं पैटोंग बीच पे। कल आपने हम यहाँ कैसे पहुंचे ये तो सुना ही होगा, और आज सुबह हम नाश्ता करके नहा धो के आ चुके हैं इस बीच पे। देखिए कितना बड़ा बीच है, बहुत ही पॉपुलर बीच है, लोग घूम रहे हैं, फॉरेनर्स, इंडियंस, यहाँ के लोकल सारे आपको यहाँ मिलेंगे इस बीच पे, और बहुत ही सुंदर बीच है, बट हाँ लोगों से भरा हुआ। हम हनीमून पे इसी बीच पे आए थे 7 साल पहले और वापस यहीं पे आए हैं। पीछे अंडमान बीच बीच था जो अभी भी वैसा ही है, वहीं पे रुके हुए थे। बीच पूरा ग्रीन ग्रीनिश है। हमने स्कूटर रेंटल लिया है, अराउंड स्कूटर रेंटल पड़ा है 200 भट, दैट इज़ 400 रुपये पर डे, पूरा 24 घंटे के लिए स्कूटर मिलता है, तो इट्स अ गुड डील। अभी हम सारे बीच एक्सप्लोर करेंगे। फ्रेंड्स, हमें सुरिन बीच के पास हम रुके हैं थोड़ा सा लंच करने के लिए, क्योंकि तो बहुत ही भूख लग रही थी। और ये बहुत ही एक सुंदर जगह है जहाँ पे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं बीच के पास, और बहुत वैसे तो चीप है जगह बहुत ही। हमने लिया है फेमस थाई बियर जिसका नाम है चैम, और एक ब्रिजर। और मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि कौन सा खाना ऑर्डर करें। टूना सैलड अमित का फेवरेट है, जहाँ भी जाएगा वही ऑर्डर करेगा, तो एज गोवा का ट्रेडिशन इज गोइंग, तो ऑर्डर कर चुका है। अभी मैं मेन कोर्स का सोच रही हूँ। सी फूड आ चुका है हमारा, और दिया गया है बहुत सारा चिली सॉस जिसको मिला के खाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ वापस आएंगे, बट हु नोस आगे क्या होगा। हम वापस वही उसी जगह पे हैं जहाँ हम हनीमून पे आए थे, हमारा फर्स्ट फॉरेन डेस्टिनेशन, और वापस आ रहे हैं 7 साल बाद। इट रियली फील्स ग्रेट। कुछ भी नहीं बदला है, ये वही बीच चार्लेट है, कलर्स वही है, इवन टैक्सी वाला जिसने हमें एयरपोर्ट पर छोड़ा था वो भी यही है, तो कुछ भी नहीं बदला यार। आए हुए हैं बांगटाओ बीच पे, ये वही बीच है जहाँ हम हनीमून पे 7 साल पहले आए हुए हैं, और 7 साल बीत गए और बीच तो नहीं बदला, बट हाँ लोगों का क्राउड ज़रूर बदला है, बहुत ही ज़्यादा लोग, बहुत बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी यहाँ होते हुए। देखिए बहुत मज़ा आ रहा है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल बीच है, बट बाकी के जो बीचेस देखे हैं वो ज़्यादा सुंदर है, स्पेशली सुरिन बीच और पैटोंग बीच इससे बेहतर है। पर यहाँ पे लोग थोड़े कम हैं, और काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन चालू है, नए और भी होटल्स आ रहे हैं।
अभी इस बीच के बाद हम कोशिश करेंगे कि सनसेट किसी एक बीच पर बिताएं और काफ़ी फोटोग्राफी करें। तो आज के लिए इतना ही, और रात को फिर हम पेडोंग बीच में चलते हैं और वहाँ का माहौल दिखाते हैं। अभी कमला बीच में ही है और हमने सोचा सनसेट यहीं से लेते हैं। कलर्स बहुत प्यारे हैं तो देखने लायक है, तो हमने यहीं पर रुके। रास्ते पेटोंग बाजार पहुँचे। ये बाज़ार काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं, वहाँ से आप खाना लेके यहाँ पे खा भी सकते हैं। बिना पैसे में लाइव गाना भी चलता है। वहाँ से हम पहुँच गए पेटोंग बीच रोड पे। ये रोड नाइट लाइफ के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे बार डांसर्स और दारू, लड़कियाँ, सब कुछ मिलती है। यहाँ पे पिंग पोंग शो भी काफ़ी फेमस है। उसके बाद हम चले गए खाना खाने। 200 रुपए में प्रॉन और 400-500 रुपए में एक फुल मछली पका के वो लोग देंगे। इससे ज़्यादा लजीज और क्या हो सकती है। हमने लिया चिकन फ्राइड राइस और फिश ग्रिल, जो वहीं पे मिल गया हमको टेबल पे। साथ में बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। तो यहीं पे हमारा रात ख़त्म होता है फुकेत का। नेक्स्ट वीडियो में हम फुकेत शहर घूमेंगे, तो आप देखते रहिए। तब तक के लिए गुड नाइट और ट्रैवल लाइक वी डू।